नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो साथियों? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप Facebook पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप स्कैम जो वीडियो कॉल से बनता है उसमें कहीं फंस गए हो तो अब किस तरीके से अपन को बचना है, क्या प्रोसेसिंग अपनाना है या क्या करना है, कैसे अपन इससे बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी से आप जो स्कैम आपके साथ हुआ है, आपका जो वीडियो बना है उससे बच सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक आईडी बताऊंगा, उसकी डिटेल्स देऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसके बचने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक सुनीता कुमारी नाम की एक आईडी है, फेसबुक आईडी है इसकी, सुनीता कुमारी के नाम से है। अब देखिए, इसने इस किसी बंदे का वीडियो कॉल बनाया है, वीडियो कॉल किया है इसको, और जैसे ही फेस आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके एडिटिंग करके वीडियो बना लिया गया है। अब इसके पास क्या मैसेज किया इसने, देखिए इसका मैसेज आया है, बोलो पैसे कब तक आएगा। ये बता रहा है कि मैडम कल तक पैसे मैं भेज दूंगा, अभी मेरे पास इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। तो कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, फिर ये वीडियो डिलीट हो जाएगा ना। नो, फिर क्यों नहीं होगी, तूने मजाक समझ रखा है क्या, पैसा सुबह देगा शाम दूँ शाम को दूंगा, ऐसे नाटक कर रहा है। तो इस तरीके से इस बंदे को बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं पैसे लेने के लिए। अब देखिए, अब ये बंदा फिर इसको कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो फिर क्या मिलेगा तुझे। तो ये फिर से कह रही है कि कुछ नहीं, इस तरह से नाटक करती जा रही है, और ये बंदा इसको बार बार हाथ जोड़ रहा है कि मैडम डिलीट कर दीजिए। लेकिन ये कोई मैडम नहीं है, ये कोई स्कैमर है, ये कोई फ्रॉड बंदा है जिसने इस तरह का एडिट करके वीडियो इसका बनाया है और इसको ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये कह रही है कि आप एक बार 2600 रुपये डाल दीजिए। ओके, कब तक दोगे, ये कह रहा है कल तक दे दूंगा। बोलो ओके पक्का, हाँ पक्का कल 3 बजे तक डाल देना। फिर ये बंदी कह रही है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर कल पैसा नहीं आया तो वीडियो को अपलोड कर दूंगी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से जिस तरह से इस बंदे को इस लड़की के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसका वीडियो एडिट करके चढ़ाया गया है, वैसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी का बना हो, मेरा भी बन सकता है, आपका भी बन सकता है, किसी का भी बन सकता है। और आपको व्हाट्सएप पे, आपको फेसबुक पे आपके मैसेज किया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका ऐसा वीडियो हमने बनाया है, बन चुका है, आपने जो अश्लील हरकतें की है उसके तहत आपका वीडियो बना है, आपको ये पैसे सेंड करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपका जो वीडियो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, कहीं पर भी आपका वायरल कर दिया जाएगा। इस तरह से जब किसी को धमकी दी जाती है तो उस बंदे की क्या हालत होगी, ये सोचिए आप। उसको इस तरह का स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। अब आपको मैं एक स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ, देखिए ये स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों। अब इसमें इस बंदे ने क्या तकनीक लगाई है, इसने 78% अपलोड का एक मैसेज इसको भेजा है। अब जब इस तरह से पहले अगर इसने पैसे नहीं दिए, दे दिए तो ये नहीं भेजेगा, अब अगर पहले प्रोसेसिंग में इसने नहीं पैसे दिए तो इस तरह का मैसेज आएगा और बंदे के हवा निकल जाए कि यार वास्तव में इसने तो 78% अपलोड कर दिया, तो ये कुछ देर में अपलोड कर देगा, फिर अपनी क्या रहेगी। जब बंदा यहाँ से भी पैसे नहीं देता है, निकल जाता है, कहा था कहता है नहीं मेरे को नहीं देने पैसे, आपको जो करना है वो कर लीजिए, तो फिर क्या होता है, YouTube कंपनी से आपके पास एक कॉल आता है और उस बंदा को कहा जाता है कि मैं YouTube कंपनी से फला आदमी बात कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो डिलीट करवानी है तो ये पैसे भेज दीजिए। अगर बंदे ने वहाँ पे पैसे भेज दिए तो वहाँ से स्टार्ट, अगर नहीं भेजे तो देखिए क्या होता है, अगर बंदे ने उस समय पैसे नहीं भेजे तो आपको एक कॉल आता है, वो कॉल आएगा आपको साइबर क्राइम ऑफिस से, ठीक है, और वो कॉल आएगा, उसकी प्रोफाइल जो उस नंबर की जो व्हाट्सएप प्रोफाइल होगी वो किसी बड़े पुलिस अधिकारी के लगाई जाएगी। अब वहां से देखिए, अगर बंदा वहां पे पैसे भेज दिया, अगर वहां से भी बच गया तो बंदे को बचने के बहुत ही बड़े चांस है, अगर वहां पे पैसे भेज दिया तो वो फिर से फंस गया। अगर साइबर क्राइम का कॉल आया
और वहाँ पे बंदे ने पैसे भेज दिए तो फिर से वो बंदा फंस गया। 5 दिन बाद में फिर से पैसे की मांग की जाएगी, 10 दिन बाद में फिर से पैसे की मांग की जाएगी, और अगर वहाँ से पैसे नहीं भेजे तो 90% आपके बचने के चांस है। कहीं पर भी आपका वीडियो अपलोड नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया इस तरह के वीडियो अपलोड करने की अनुमति कभी भी नहीं देती है, आप नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब अपने साथ या अपने किसी भी रिलेटिव, अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस तरह का कोई वीडियो बन जाता है तो उसको आप बार बार यही कहें, पैसे 1 रुपया नहीं दें, पैसे नहीं देने। आप नज़दीकी थाने में जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर नहीं करें तो आप पैसे तो बिल्कुल नहीं दें उसको। अगर आपने एक बार पैसे दे दिए तो उस बंदे दिमाग लगाएगा ये बंदा पैसे देने वाला है, वो आपको 10 दिन बाद में फिर से कॉल करेगा, 15 दिन बाद में फिर से कॉल करेगा, आपको बार बार पैसों की मांग की जाएगी और आपको पीछा नहीं छोड़ेगा वो। अब अगर आप शुरू से ही उसको यही कह दें कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं तो थाने जाऊंगा, मुकदमा करवाऊंगा, तो उस बंदे को वहां से थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, नज़दीकी थाने में जाइए, या आप उसको पैसे नहीं दें, उसको ब्लॉक कर दीजिए, उसको आप अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीका मेरा कोई वीडियो बना है, जो अपने नज़दीकी मित्र है, कि आपके पास ऐसा कोई मैसेज में वीडियो आ सकता है, तो ध्यान रहें वहाँ से आपको बचने के पूरे चांस होंगे। अगर आपको एक बार आपने पैसे भेज दिए तो उस बंदे को लगेगा कि वास्तव में ये बंदा पैसे भेजने वाला है, ये आज भेजे ऐसे 4 दिन बाद में और भेजेगा। आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी का भी बन सकता है वीडियो, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन खुद वो उस पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल में गलत हरकतें करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे स्क्रीनशॉट लेके ही वीडियो एडिट किया जा सकता है। आज जो वीडियो एडिट हो रहा है वो 90% ऐसे ही हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, किसी भी अनजान वीडियो कॉल को नहीं अटेंड करें, और ना ही किसी को अनजान लड़की के नाम से जो रिक्वेस्ट आती है उसको रिसीव करें। थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी सावधानी ही अपन को बचा सकती है। अगर ऐसा हो भी जाता है फिर भी, तो पैसे देने का तो नाम ही नहीं है, पैसे देने से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करने वाला है। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हमारा कैसे डिलीट होगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन यहाँ पे दे रखी है, और वहाँ पे नहीं तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज है जो फ्रॉड अलर्ट के नाम से ही है, और बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स भी मेरे नाम से लोगों ने बना रखे हैं, और सही का पहचान करें, मेरी जो ओरिजिनल फेसबुक पेज है उसको मैंने व्हाट्सएप पे, इस पे यूट्यूब पे मेंशन कर रखा है, इसकी आईडी लिंक में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।